एक बात आप सबको देखकर बोलेंगे तुम लोग तन से तो सनातनी हो तन से तो तुम लोग भारतीय हो दिल से अगर सनातनी बनो तो बात बने यहां भी घर के बाहर राम लिखो यहां भी रोज तिलक लगाओ यहां पर भी राम नाम का जप करो यहां पर भी बागेश्वर धाम की जय बोलो हम मिल पाए या ना मिल पाए आपका पर्चा बन पाए या ना बन पाए हम बिल्कुल विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक आपको आशीर्वाद दे करके कहते हैं कि अगर तुम तो ओम बागेश्वराय नमा मंत्र का जाप करोगे बागेश्वर बालाजी को ध्याओगे सन्यासी बाबा को ध्याओगे हम रहेंगे या ना रहेंगे हम तो जाने वाले हैं लेकिन याद रखना आप अनुभव करोगे आपके साथ चौबीसों घंटे सन्यासी बाबा की कृपा है आप अनुभव करोगे कि आपके साथ बागेश्वर बालाजी की कृपा है अलग अलग चमत्कार के लिए तुम्हें अलग अलग दरबार में भारत या बागेश्वर धाम नहीं आना पड़ेगा तुम जहां बैठे हो ओम बागेश्वर नमा मंत्र का जाप करोगे सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय बोलोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है तो मैं लगेगा कोई हमारे साथ है और वो कोई और नहीं बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ होंगे पर दृढ़ता और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है दृढ़ता नहीं होगी विश्वास नहीं होगी घाटा खा जाओगे और अभी तक तुम घाटा इसी बात का तो खाते रहे चार दिन में तुम लक्ष्य बदलते रहे चार दिन में तुम उपाय बदलते रहे चार दिन में तुम गुरु बदलते रहे उसका दुष्परिणाम क्या तुम जीवन में कभी सफल नहीं हुए क्या क्या नहीं भोगा तुमने भारत छोड़ दिया परिवार छोड़ा पैसों के पीछे काम के पीछे अपनी खुशी भी छोड़ी अपनी प्रसन्नता भी छोड़ी और यहाँ आकर के भी अगर तुम प्रसन्न ना हो पाओ तो तुमसे बड़ा घाटे का सौदा कोई और नहीं कर रहा तुम बहुत बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो तुमने अपना भारत भूमि छोड़ी जिस देश के लिए भगवान भी तरसते हैं आने के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवतार अगर कहीं हुए तो भारत में हुए कभी तुमने चाइना में भगवान शिव का अवतार सुना कभी तुमने इंडीज में सुना श्रीलंका में सुना उल्टी लंका में हनुमान जी आग लगा के आए जहां राम नहीं वहां हनुमान जी आग लगा देते हैं और आप अनुभव करेंगे कि लंका में पूरी में आग लगाई पर विभीषण के घर में आग नहीं लगाई लंका में आग इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ राम नहीं थे विभीषण के घर में इसलिए आग नहीं लगाई क्योंकि उस घर में राम थे मानो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल में तुम्हारे मन में तुम्हारे मस्तिष्क में तुम्हारे घर में तुम्हारी वाणी में तुम्हारे स्वभाव में तुम्हारे विचार में तुम्हारे आचरण में तुम्हारे मंत्र में तुम्हारे जाप में तुम्हारी विधि में तुम्हारी पूजा में तुम्हारे अर्चन में तुम्हारे बंधन में तुम्हारे नियम में तुम्हारी सेवा में तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे मेडिटेशन में तुम्हारे पुकार में तुम्हारी स्तुति में तुम्हारी वंदना में तुम्हारी पूजा में तुम्हारे जप में तुम्हारे तप में तुम्हारे यज्ञ में अगर राम होंगे तो हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं होंगे मन में राम नहीं होंगे तो जो हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवा रहे हैं वही आग लगाने आ जाएंगे आप कहोगे कि हम लोग तो सनातनी हैं तुम हमको तो डरवा रहे हो महाराज पर जो नहीं मान रहे हैं ये लोग जो जहां रहते हैं इनको क्या कहोगे हम यही कहेंगे कि सबके जीवन में आग लगी है कोई विश्व का ऐसा आदमी लाओ भगवान राम का छोड़कर कोई सच्चा गुरु का छेला है उसको छोड़कर जो भगवान का परम भक्त है उसको छोड़कर कोई ऐसा लाओ जो अपने जीवन से खुश हो कोई तन दुखी कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई, कोई धनबिन तो उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास तुम भी प्रसन्न होना चाहते हैं तो बागेश्वर बालाजी को ध्याओ आज का दरबार सन्यासी बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करेंगे आप लोग राम नाम का जप करो जिनकी अर्जी लगे ध्यान ध्यानपूर्वक पढ़ना है हम गलत बोले तुरंत स्वीकार करना है अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें अंधविश्वास में ना पढ़ें ब्लाइंड फेत मत करें अंधविश्वास बिल्कुल भी ना पढ़ें लोग क्या कह रहे हैं कि गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं ये बिल्कुल छोड़ो चलकर तुम पहले अनुभव करो हम चमत्कारी हैं चमत्कारी तो श्री हनुमान जी हैं हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए तुम्हारी बाहें पकड़ करके हम बागेश्वर बालाजी से जोड़ने आए हैं तुम्हारी बाहें पकड़ करके तुम्हें हम सन्यासी बाबा से जोड़ने आए हैं इसलिए राम का नाम का जाप करो बहुत मन में बागेश्वर बालाजी का ध्यान करो जिनकी अर्जी लगेगी पर्चा बनेगा बुलाएंगे आज जितनी अर्जी लगेगी सो ठीक कल भी दरबार लगेगा राम नाम का जप करो बहुत कुछ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है जब श्री हनुमान जी महाराज वहाँ से हमें ले आए तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते कर सकते हो वरना हमने कौन ठेका ले रखा है तुम्हारा तुम भी सीताराम हम भी सीताराम दूसरा निवेदन धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं ली जाती है बिल्कुल गांठ बांध लें कान खोल कर सुन लें किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें अमीर आदमी हो तो तुम हमें दे सका हम सब बचा लें भी हम जात के ब्राह्मण हैं ब्राह्मण का काम है दान लेना दान देना यज्ञ करना यज्ञ कराना वेद पढ़ना वेद पढ़ाना तुम अपना मकान फ्लैट पाउंड सिक्का क्वाइन सोना चांदी बैंक की एफ डी लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका लुगाई लड़का ना कर पा अभी हम बाकी हम सब पचा लेंगे बाहर में गया भारत में अभी अन्नपूर्णा चलाते हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं जिस दिन बालाजी कृपा कर देंगे दो चार दस करोड़ आ जाएंगे चकाचक रबड़ी पूरा खवाएंगे। रसगुल्ला खवाएंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को लेकिन अगर आप सोचो कि हम प्रभाव में या पैसा देकर के अर्जी लगवा लें तो ठटरी बढ़ाओ पैसा के चक्कर में अर्जी लगने वाली ठटरी बरे जानत हाँ बुंदेलखंड का हमारा प्यारा शब्द है बुंदेलखंड में अगर आप ठटरी बरे बोल दो तो बड़ो सम्मान हो हाँ जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना। और जोर से बोलो और जोर से बोलो तो आज से कौन कौन बालाजी का हो गया हमें तो नहीं लग रहा हो गए सन्यासी बाबा के कौन कौन हो गए अच्छा एक और कल जिन भक्तों की अर्जी कल भी नहीं लग पाएगी सबको भभूति बांटी जाएगी सिद्ध अभिमंत्र चमत्कारी भभूति का वितरण कल किया जाएगा और कथा के अंतिम दिन भी किया जाएगा उस भभूति से ही चमत्कार हो जाएगा और याद रखना हम तो मैं मार्गदर्शन दे सकते हैं कृपा करने वाले बालाजी हमें तो वो जो प्रेरणा देंगे हम आपको वो बताएंगे हमारे पास है बाई भाई टावर वहीं लगा है बागेश्वर धाम बाई भाई में जैसे सिग्नल आते हैं हम वैसे ही बोलते हैं ये हमारा बाई भाई है लेकिन मूर्ख बिल्कुल भी ना बने अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें देख कर विश्वास करें आपने क्या पूछा हमने क्या बोला है आपने पूछा कि जो वो पर्चे पर आया या नहीं तुरंत टोक दें अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े जो भी बताया जाएगा उस पर चलें मंत्र का जाप करें जो मंत्र दिया जाएगा वो ऐसा चमत्कार करेगा कि उसी से तुम्हारे जीवन में उन्नति होने लगेगी अन्य जानकारी के लिए हमारे महाराज जी भी हैं आपसे भी जानकारी ले सकते हैं हमारे नितिन जी भी हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं धाम से संबंधित और हम यहाँ पर कथा सुनाने नहीं आए फिर वही करोड़ों की बात बोलते हैं हम यहाँ संपत्ति कमाने नहीं विपत्ति लेने आए वो आप में क्षमता हो तो विपत्ति चढ़ा दो आप कहोगे महाराज विपत्ति चढ़ा के ही जानते होते तो अभी तक कई मंदिरों में विपत्ति चढ़ी होती तो हम आपसे कहेंगे कि तुम हनुमान जी के हो जाओ विपत्ति हमारे हनुमान जी अपने आप खींच लेंगे